रातों रात गायब होने लगे बीजेपी के सांसद, तीन गायब अचानक घटने लगे बीजेपी के सांसद, मोदी की मुश्किलें बढ़ी। इधर रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, उधर मोदी का बुलावा आया। मात्र 48 वोटों से जीतने वाले सांसद का नाम जानकर चौंक जाएंगे, उनके साथ हो गया था खेला। रूस पर शुरू हुए मिसाइल हमले, यह भारत के लिए खुशखबरी कैसे? दो चलती महिंद्रा थार गाड़ियों की छत पर खड़े होकर किया खतरनाक स्टंट, फिर पुलिस ने किया उपाय। यूएनएसी में पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत, कंगना को थप्पड़ मारने को लेकर हुआ एक और नया खुलासा। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। आइए सबसे पहले राजनीति और उसके बाद देश और दुनिया की खबरें जानेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों में विजयी हुए एकमात्र निर्दलीय सांसद सांगली एमपी विशाल पाटिल ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के कुनबे में एक और सांसद जुड़ गया। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, 1,00,000 वोटों से जीते विशाल पाटिल। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर मायावती ने इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। अगर मायावती उत्तर प्रदेश में ना होती तो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को 10 सीटें भी ना मिल पाए। बंगाल में 12 सीटें जीतने वाली बीजेपी के साथ खेला टीएमसी का दावा, संपर्क में 3 सांसद। दोस्तों, बहुमत न पाने वाले भाजपा के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बंगाल में ममता दीदी की आंधी के आगे विरोधियों के संदेश खाली जैसे मुद्दों को हवा निकल गई। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ और 2019 में 18 सीटें जीतने वाली भाजपा 22 सीटों पर आकर अटक गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि बंगाल में भाजपा के 3 सांसद उनकी पार्टी के संपर्क में है। इससे पहले ममता बनर्जी ने भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए नरेंद्र मोदी से इस्तीफा देने की मांग की थी। ममता ने कहा था कि पूरा चुनाव भाजपा ने मोदी के चेहरे पर लड़ा, लेकिन 400 पार का नारा देने वाली पार्टी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इस बार सरकार चलाने में पीएम मोदी को काफी मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि उधर भाजपा के अंदर भी यह सवाल उठने लगा है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सारे लोकसभा सीट जीतकर भाजपा के गले में डाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने 8,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत प्राप्त की है। भाजपा में अंदर ही अंदर शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता एकजुट होने लगे हैं। अचानक इन सभी नेताओं की भाजपा के अंदर कद और मान सम्मान बढ़ गया है। नितिन गडकरी पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और परिवार के साथ तरह तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ने लगी है और चिंता उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। अब वे उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे जितने कि वे 2014 से 2024 कार्यकाल तक थे। कहीं ना कहीं मोदी को बहुमत न मिलने का झटका महसूस हो रहा है और उन्हें यह भी लग रहा है कि पार्टी के अंदर से बगावत शुरू हो सकती है। ऐसे में अपनी पार्टी और एनडीए दोनों को एकजुट करके साथ रखना और 5 साल तक सरकार चलाना पीएम मोदी के लिए काफी मुश्किल होगा। एनडीए गठबंधन वाली शिवसेना सिंधे के रविंद्र दत्ताराम वायकर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से सिर्फ 48 वोटों से जीते हैं। वहीं ओडिशा की जाजपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सिर्फ 1548 वोटों से जीते हैं। रविंद्र वायकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी के अमोल गजानन कीर्तिकर को केवल 48 वोटों से हराया, जो राज्य में सबसे कम अंतर है। ईवीएम के वोट की गिनती के दौरान शिवसेना यूबीटी के अमोल गजानन कीर्तिकर दिन के अधिकांश समय तक बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी बढ़त कम होती गई, आखिर में सिर्फ 1 वोट का अंतर रह गया। गजानन कीर्तिकर को 4,51,095 वोट मिले, जबकि रविंद्र वायकर को 4,51,094 वोट मिले थे। जिसके बाद फिर पोस्टल बैलेट से जोड़े गए। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक रविंद्र वायकर के पक्ष में 1550 पोस्टल बैलेट डाले गए, जबकि गजानंद कीर्तिकर के पक्ष में 1501 मत डाले गए, जिसके बाद फिर 48 वोटों के अंतर से वायकर जीते। मतपत्रों को शामिल करने के बाद अंतिम गणना से पता चला कि वायकर को 4,52,644 वोट मिले, जबकि कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले। हालांकि शिवसेना ने कहा कि वह परिणाम को अदालत में चुनौती देगी। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी सीमा क्षेत्रों में एक तेल रिफाइनरी और एक ईंधन डिपो पर हमला किया है। इस पर रूस बोला, हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उधर जेलेंस्की की फ्रांस यात्रा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी के एक दिन बाद हुई है। पुतिन ने कहा था कि रूस अन्य देशों को लंबी दूरी के हथियार दे सकता है ताकि वे पश्चिमी लक्ष्यों पर हमला कर सके। इसके बाद लगभग सभी पश्चिमी देश यूक्रेन के समर्थन में एकजुट हो गए हैं।
यूक्रेन को मिराज लड़ाकू विमान देगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि फ्रांस में यूक्रेनी पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे रूस के आक्रमण से अपने देश की रक्षा कर सके। इन मिराज विमानों का निर्माता दसॉल्ट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति इन दिनों फ्रांस में है। युवक ने दो चलती महिंद्रा थार गाड़ियों की छत पर खड़े होकर किया खतरनाक स्टंट। पुलिस ने किया कार समेत गिरफ्तार। राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सुरंग के अंदर शूट किया है। पाकिस्तान समेत इन देशों को चुना गया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर शहबाज शरीफ का पोस्ट, यह गर्व का पल। पाकिस्तान समेत सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान के जरिए यह देश 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट सदस्य चुने गए हैं। किसे कितने वोट मिले हैं इसके बारे में आप यहां डिटेल देख सकते हैं। पाकिस्तान 8वीं बार सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन को रूस पर हमला करने वाले हथियार दिए तो रूस भी मिसाइलें तैनात करेगा। उन्होंने कहा कि रूस का परमाणु सिद्धांत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार दिए हैं जिससे पश्चिम और रूस के बीच युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। यह भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब S-400 की रियल टेस्टिंग हो पाएगी। इसके साथ ही भारत इस बात को लेकर दुखी भी है कि सारे पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और भारत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। ताइवानी राष्ट्रपति ने मोदी को दी बधाई। चीन हुआ नाराज, कहा भारत वन चाइना पॉलिसी का वादा न भूले। ताइवान से दूर रहे दोस्तों, अगर पाकिस्तान पीओके से दूर नहीं रहता तो फिर ऐसे में क्या भारत को ताइवान से दूर रहना चाहिए। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में लिखे। शाहबाज सरकार ने कहा जेल में टीवी कूलर इस्तेमाल करते हैं इमरान, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी तस्वीरें। कहा झूठ बोलते हैं पूर्व पीएम। जेल के अंदर इमरान खान के लिए एक छोटा जिम, सेपरेट किचन और छोटा सा लाइब्रेरी अलॉट कराया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात एक महिला CISF कांस्टेबल ने बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की निर्वाचित सांसद कंगना रनौत को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। इसकी पुष्टि कंगना रनौत ने खुद की थी। कंगना रनौत दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंची थी, इस दौरान यह घटना हुई। कंगना को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल ने कहा कि कंगना ने बोला था कि किसान आंदोलन में 600 रुपये में महिलाएं बैठती थी, वहां मेरी माँ भी थी। इस घटना के बाद कुलविंदर कौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कंगना के समर्थन में उतरे मंडी से उनके प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले कार्रवाई हो। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर की तरह हिंदुओं और जैन धर्मावलंबियों के लिए गलियारा खोलने का प्रस्ताव दिया है। सिंध के पर्यटन मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में कई प्राचीन मंदिर है जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस कदम से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की उम्मीद है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, यूक्रेन आने का दिया न्योता। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए स्विट्जरलैंड में होने वाले आगामी शांति सम्मेलन में शामिल होने की रिक्वेस्ट की। जेलेंस्की ने दोहराया कि दुनिया में हर कोई वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका को जानता और पहचानता है। उन्होंने कहा यह बेहद जरूरी है कि हम सभी मिलकर सभी देशों के लिए न्यायपूर्ण शांति सुनिश्चित करने के लिए काम करें। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके व्हील्स। धन्यवाद। जय हिंद।